पहले तो मैं आपका नमस्कार करना चाहता हूँ जी। और आज का मेरा सवाल है कि डॉलर के मुकाबले रुपए क्यों कमजोर हो रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, रुपया जो है वो कमज़ोर होता है तो फिर बड़ी दिक्कत आने लगती है आम जिंदगी में भी, और सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है डीजल के दाम जो है वो धीरे 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 बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं रुपये की गिरावट के कारण के बारे में, तो सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताऊंगा, अगर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता जाता है, जो आयातित जो वहां से आयात करने वाले हैं, जो लोग कंपनियां बैठी हुई हैं जिससे कि भारत को आयात करना है, अगर वहां पे डिमांड बढ़ती है तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। एक बार और मैं यहां पे आपको बताना चाहूँगा, जो ये डॉलर और रुपये का जो खेल है वो पूरी तरह से ये विदेशी पूंजी है। तो भारत के पास से कितनी विदेशी पूंजी अभी है रिजर्व कोटा में, इस पर भी इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी सरकार में स्थितियां कुछ सुधरी है, लेकिन देखिए ये जो रुपये का खेल है इसमें अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले अभी हमारा रुपया काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है। 71 तक आज पहुँच गया। आज के डेट में अगर आज की तारीख में आप देखें तो जो विनिमय दर है वो 71 रुपये तक एक डॉलर की वैल्यू पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी संकट की बात है। कुछ और कारण में देख लेते हैं। अगर चालू घाटा जो होता है, अगर सरकार का घाटा जो है आयात और निर्यात में अंतर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि इसे मैं और आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो कोई भी देश, कोई भी सरकार अगर अपना निर्यात जो है वो कम करती है आयात के मुकाबले, हम आयातित वस्तुओं का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सोना हमें बहुत सारा मात्रा में आयात करना पड़ता है और निर्यात उसके मुकाबले हमारा कम है। और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि तेल आप बाहर से मंगाते हैं, क्रूड ऑयल की रेट काफ़ी ज़्यादा है और उनको जो पेमेंट जाता है वो डॉलर में जाता है, तो डॉलर हमें जो है विनिमय करा के फिर उसको रूपांतरण करा के रुपये से डॉलर में फिर उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं होती है। कुछ और घरेलू दिक्कतें होती हैं जिसके कारण कि रुपया जो है वो कमज़ोर होता है। तो ये सारे कारण हैं रुपये के कमज़ोर होने के। तो ये रहा इनका पहला सवाल का आंसर, और मैं इनसे दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ। जो इनका मेरा जो दूसरा सवाल है जी, यह है कि हम लोगों पर इन पैसों का, रुपये का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर रुपया गिरता है तो सबसे पहले तो अगर मैं मध्यम वर्ग की बात करूं तो मध्यम वर्ग के बहुत सारे बच्चे विदेशों में पढ़ा करते हैं, और विदेशों में जो जैसे कि अगर वहां पे फीस $10 है, अगर मैं $10 को लेके एग्जांपल दूं तो $10 की मान लीजिए कि पहले अगर 65 रुपये वैल्यू है तो ₹650 में $10 आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर ₹710 अभी के रेट के हिसाब से अगर उसकी बढ़ती है वैल्यू, तो आपको जब पेमेंट करना है $10 की तो आपको ₹710 पेमेंट करने होंगे। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ जो होती है, तेल का जो रेट होता है वो उसमें काफ़ी उछाल आ जाता है, तो डीजल के बढ़ने से जो है आम जनता के लिए दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाती है, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। फिर लोन की जो प्रक्रिया होती है, जो बैंकिंग सेक्टर की जो दरें होती है उसमें भी चेंजिंग करना पड़ता है, क्योंकि महंगाई दर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों को एक साथ जो है समावेशित रखती है। तो ये सारी दिक्कतें आम जनता को आ सकती है। मध्यम वर्ग में आपको मैंने बताया, निम्न वर्ग जो है वो खासा प्रभावित होगा जो महंगाई है उससे, तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये रहा आज का हमारा दो सवाल का आंसर, और अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे कुछ नया सवाल लेकर। और आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए इस वीडियो को, ताकि सवाल जवाब का जो ये सिलसिला हमने शुरू किया है और उसकी भनक जो है, उसकी ठनक जो है वो काफ़ी दूर तक जाए। मैं निशांत तिवारी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगले जो है हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।